भारतीय जनता पार्टी दक्षिण मंडल की ओर से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने हेतु मुफ्त आयुर्वेदिक दवा का वितरण। भारत सरकार आयुष मंत्रालय की ओर से केंद्रीय आयुर्वेदिक अनुसंधान संस्थान मुंबई द्वारा देश के जनता को जन जागृति के साथ उनके रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने हेतु आयुर्वेद दवा मुफ्त में भारतीय जनता पार्टी दक्षिण मंडल भिवंडी अध्यक्ष श्री वासम राजेंद्र के कार्यालय में एक मुफ्त में कैंप रखा गया, जिसका उद्घाटन भारतीय जनता पार्टी भिवंडी शहर जिला अध्यक्ष संतोष शेट्टी, माजी नगर अध्यक्ष एस मल्लेशम के अध्यक्ष शुरू किया गया। प्रथम पद्मश्री स्वर्गीय लता मंगेशकर जी के प्रतिमा को श्रद्धांजलि अर्पण करते हुए शुरू ये कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें एल ए सागर, सौतम सत्या, शैलेश मौसम, कल्याण भूमेश के साथ कई स्थानिक व भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। सेंट्रल गवर्नमेंट का है जो अपना कोविड के वजह से बहुत जन का इम्यूनिटी कम हो गया, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए और बहुत जन को मतलब भारतीय जनता पार्टी भिवंडी शहर जिला अध्यक्ष संतोष शेट्टी जी के नेतृत्व में जो भिवंडी के लिए हमारे जो राजेश सर है उनके नेतृत्व में आज़ादी का अमृतसर के महोत्सव पर पूरा देश भर हम लोग का ये इम्यूनिटी का दवाई बांटा जा रहा है। उसी तरह हमारा जिलाध्यक्ष के आदेश के अनुसार भारतीय जनता पार्टी दक्षिण मंडल के आज हमारा क्षेत्र में कम से कम 5,000 लोगों को हम लोग दवाई की वितरण करने का कोशिश कर। अच्छा, ये दवाई किन के माध्यम से मिल रहा है, क्या क्या थोड़ा बताएंगे? ये सब हमारे डॉक्टर सर बताएंगे आपको पूरा डिटेल के साथ। 75 साल आज़ादी के अमृत महोत्सव पर भारत सरकार द्वारा आयुष मंत्रालय की तरफ से ये दवा डिस्ट्रीब्यूट करी जाए पूरे भारत में। ये संजीवनी वटी ये जो है आयुर्वेदिक है, इसका साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये सब जगह डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है पूरे भारतवर्ष में। तो ये जो है ये इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है आदमी का, जो भी अभी कोविड की वजह से जितने लोगों को कोविड हो रहा है और जितने लोगों को अभी कुछ तकलीफ है, सांस का तकलीफ है, किसी को बिजनेस बना आया है, तो ये संशमनी होती वह प्रतिकार शक्ति बढ़ाने का काम करती है। इम्यूनिटी बूस्टर है, जैसा वैक्सीन एक बूस्टर के तौर पे काम करता है वैसा ही संजीवनी होती है बूस्टर के तौर पे काम करता है। इसके लिए हम लोग सब एरिया वाइज श्री वसंत जी राजेंद्र के यहाँ पर आज कैंप लगाया है। ऐसा पूरे भिवंडी शहर में 50,000 बॉटल बांटने का हम लोग ने संकल्प किया। ये जो आप कोई संस्था के माध्यम से कर रहे क्या या गवर्नमेंट के माध्यम से कर रहे? गवर्नमेंट के आयुष मंत्रालय के तरफ से कर रहे हैं। ये ओनली कैंप में ही लगा जाएगा क्या, किसी मेडिकल में या वगैरह मिलेंगे इसका? नहीं, ये ओनली कैंप के लिए, सामान्य लोगों तक पहुंचने के लिए, गरीब लोगों तक पहुंचने के लिए ये प्रोविजन। ये जो संशमनी वटी है ये रोग प्रतिकार शक्ति इम्यूनिटी पावर बढ़ाने का काम करती है। यह एज 12 से लेके 18 तक के बच्चों को एक एक गोली दो टाइम दे सकते हैं और 18 से लेके 60 70 80 के उम्र वालों को लोगों को भी दे सकते हैं दो गोली दो टाइम नाश्ता और खाना खाने के बाद। ये जो है इम्यूनिटी बूस्टर का काम करती है, बहुत प्योर आयुर्वेदिक है और ये जो गोली है इसके वजह से कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, ये प्योर आयुर्वेदिक है और पूरे भारतवर्ष में इसको हम लोग बांटने का काम करते हैं। अच्छा, इसके बारे में फिर लोगों से कुछ आह्वान वगैरह क्या करना चाहिए? तो हम लोगों से आह्वान करते हैं जो गौर गरीब है वह ये बाहर मेडिकल में इसकी गोली की कीमत 400 से 500 रुपया है एक बोतल का। तो आप गरीबों से और सामान्य लोगों से आह्वान करता हूँ कि यह गोली का आप यहाँ पर फ्री में मिल रहा है, आप ले सकते हैं और इसका पूरा उपयोग अपने शरीर के लिए कर सकते हैं। अगर कुछ लोगों को जानकारी मिलने के बाद और चाहिए तो गरीब लोगों को तो कैसे आपसे संपर्क कर सकते हैं, किस तरह? RRA पोद्दार हॉस्पिटल वर्ली में या एक संस्थान है हमारा, वहाँ संस्थान में आप संपर्क कर सकते करके ये गोली ले सकते हैं। और दूसरे शहर में कोई ब्रांचेस वगैरह? ये दूसरे शहर में अलग अलग जगह पर ब्रांचेस है, हमारे यहाँ पर कम से कम 35 ब्रांचेस है
पूरे भारतवर्ष में ये सब जगह मिलता है।